बैक स्टूडेंट्स, आज हम सिंगुलर और प्लूरल की दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। और पहली क्लास में आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने का फर्स्ट और सेकंड रूल बताया गया था। अब इसमें थर्ड और फोर्थ रूल आप हम सीखेंगे, जो कि वाई का है। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। देखिए स्टूडेंट, अगर किसी नाउन वर्ड के आखिर में वाई हो और उससे पहले कोई कंसोनेंट हो, वाई हो लास्ट में और उससे पहले कोई कंसोनेंट हो, वॉवेल्स और कंसोनेंट आपको पता होंगे, आपने जरूर सीखे होंगे। फाइव वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। इन फाइव वॉवेल्स के अलावा जो है वो कंसोनेंट कंसीडर किए जाते हैं। तो यहां पर देखें, वाई से पहले टी कंसोनेंट है, यहां पर वाई से पहले बी कंसोनेंट है, और इधर वाई से पहले एल कंसोनेंट है, इधर वाई से पहले आर कंसोनेंट है, और इधर वाई से पहले एम कंसोनेंट है, और यहां पर वाई से पहले टी कंसोनेंट है। तो मतलब लास्ट में किसी भी नाउन वर्ड के आखिर में वाई हो और उससे पहले कोई भी कंसोनेंट हो, तो उसकी प्लूरल बनाने के लिए आई ई एस इसका इजाफा किया जाता है। लेकिन वाई को हटाकर, वाई को कट करके, वाई को निकालकर उसमें आई ई एस बढ़ा दिया जाता है। देखें इस तरह, सिटी, सिटी शहर, सिटी में देखें वाई लास्ट में है, उससे पहले टी कंसोनेंट है। अब इसकी प्लूरल जो होगी यहां तक सी आई टी यहां तक सेम होगी, लेकिन यहां पे वाई को आई में चेंज कर देंगे, वाई को आई में तब्दील करके फिर ई एस लगा देंगे। मतलब वाई को हटाकर आई एस लगाकर इसकी प्लूरल बनाई जाती है। सिटी की प्लूरल होगी सिटीज। इसी तरह बेबी, बेबी में वाई से पहले बी कंसोनेंट है, इधर भी वाई को हम हटा देंगे, बेबीज लास्ट में इसके आई ई एस, ये आई ई एस जो है बढ़ाया गया है प्लूरल बनाने के लिए। फैमिली, खानदान, फैमिली में देखिए वाई है लास्ट में, इस वाई को हटा देंगे हम और आई ई एस लगा देंगे। फैमिली, खानदान, फैमिलीज, बहुत सारे खानदान, एक से ज्यादा खानदान। कंट्री, मुल्क, कंट्री में भी देखें वाई है और वाई से पहले आर कंसोनेंट है, तो वाई को हटाकर इसमें भी आई एस का इजाफा किया गया है। आर्मी, आर्मी में वाई है और वाई से पहले एम कंसोनेंट है, तो इसमें भी वाई को हटाकर आई एस का इजाफा किया गया है, आर्मीज। ड्यूटी में वाई से पहले टी है और इसमें भी टी कंसोनेंट है, तो टी वाई को हटाकर आखिरी में आई एस का इजाफा किया गया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको रूल समझ में आ गया होगा। रूल नंबर थ्री है ये, रूल नंबर थ्री। अब चलते हैं रूल नंबर फोर की तरफ। रूल नंबर फोर में वाई हो लेकिन वाई से पहले क्या हो, वावेल्स हो, कोई भी वावेल हो, वाई से पहले देखें ए वावेल है इसमें, तो क्या करेंगे, इसमें प्लस एस होता है, इनमें ओनली एस, एस को प्लस करेंगे। जो पहला तरीका हमने फर्स्ट रूल समझा था वही रूल इसमें फॉलो होगा, और इसमें सिर्फ एस का इजाफा किया जाएगा। अगर वाई, वाई से पहले इसमें ए जो है वावेल है, इसलिए वाई को नहीं हटाएंगे, इसमें वाई लगा रहेगा और सिर्फ एस का इजाफा किया जाएगा। इसी तरह बॉय, बॉय में वाई से पहले ओ वावेल है, इसलिए वाई सेम बरकरार रहेगा और इसमें भी एस का इजाफा किया जाएगा। बॉय की प्लूरल होगी बॉयज। इसी तरह ट्वाय, खिलौना, ट्वाय में वाई वावेल है, वाई जो है लास्ट में, उससे पहले ओ वावेल है, तो इसलिए वाई से पहले वाविल है, तो वाई बरकरार रहेगी, सिर्फ एस का इजाफा किया जाएगा प्लूरल बनाने के लिए। ट्वाई की प्लूरल होगी ट्वाइज।
की मीन चाबी। की में भी देखें वाई से पहले ई है और ई हमें पता है वावेल है, तो वाई बरकरार रहेगी और इसमें एस का इजाफा किया जाएगा, कीज चाबियां। इसी तरह डोंकी में भी वाई से पहले ई है और ई वावेल है, इसलिए इसमें भी एस का इजाफा किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में हमने रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 सीखा है। रूल नंबर 3 में अगर वाई किसी भी नाउन वर्ड के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कोई भी कंसोनेंट हो, तो वाई को हटाकर खत्म करके आईईएस का इजाफा किया जाता है उसकी प्लूरल बनाने के लिए। और रूल नंबर 4 में वाई से पहले अगर कोई भी वॉवल हो तो वाई बरकरार रहता है, वाई लगा रहेगा और उसमें सिर्फ एस का इजाफा किया जाएगा, सिर्फ एस को बढ़ाकर हम उसकी प्लूरल बनाएंगे। नेक्स्ट रूल के लिए आप नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह अगले रूल्स सीखेंगे, तो सीखते रहें और जुड़े रहें इस चैनल से, सर कदीर ऑनलाइन से सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, तमाम स्टूडेंट्स को शेयर करें। ये फ्री की और मुफ्त की क्लासेस है, एकेडमी है और तमाम स्टूडेंट्स का फ़ायदा होगा घर पे रहते हुए भी। तो इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक्स भी कर दें और शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बराबर में एक बेल आइकन होगा, वो बेल आइकन भी प्रेस कर दें और प्रेस बेल आइकन के ऊपर ऑल होगा, ऑल भी सिलेक्ट कर लें। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया।